मेरे कई सब्सक्राइबर के मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि जब आप आटा लगाओगे वीडियो बनाना और अपलोड कर देना बिना स्किप किए, तो भाई देखिए जब मैं आटा लगाती हूँ तो कैसे लगाती हूँ, तो आटे के बीचों बीच पानी डाल दिया और पानी मतलब कि इस तरह से डाला और फैलाया ताकि वो सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप सीख रहे हो तो ना पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालना मेरी की तरह, मतलब ज़्यादा नहीं डालना। मुझे अंदाज़ा था, मैंने इसलिए दो बार में ही इतना पानी डाल दिया कि सारा आटा सिमट जाए। और आप, मैं पहले बोल चुकी हूँ, अगर आप सीख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आटे में डालना। तो ये देखिए भाई, सारा आटा मैंने दो बार पानी डाला, सारा आटा ये मतलब इकट्ठा हो गया है। और अभी मतलब कि आटा लगा नहीं, आप सोच रहे होंगे कि ये आटा लग गया है, और थोड़ा थोड़ा इस तरह से हाथ पे पानी लगा के इसमें अच्छे से लोंच लगाएंगे, और जब लोंच आटे में लगेगी तो आटा सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आप इससे तुरंत भी फुलके बना सकते हो। इस तरह से ये आटा लग के हमारा तैयार हो जाएगा। और जब हम इस तरह आटे में लोंच लगाते हैं तो इसकी जो रोटियां होती हैं बहुत ही दिखने में तो सुंदर बनती हैं, खाने में भी बहुत मतलब स्वाद पौष्टिक अच्छी बनती हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात है, जब हम इस तरह आटे को लगाते हैं, अच्छे से लोंच लगाते हैं, तो जब इसकी रोटी हम खाते हैं ना, वो डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो भाई इस तरह से आटा लगाइए और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, मज़े में रहिए और खाने को खूब इंजॉय करिए। जब खाना अच्छा होएगा तो हम खुद ही मतलब खुश हो जाएंगे और खाना इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए भाई कितने अच्छे से इसमें लोंच लग गई, थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ लगाते हुए। और ये देखिए अब हमारा आटा कंप्लीट हो गया, और इसको रख देते हैं ढक के 5 मिनट के बाद फिर बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियां। तो जी परसों बनाया था हमने साग, क्या परसों साग बनाया था, और उसमें ना अब तो जी परसों साग बनाया था और इसमें तड़का लगाएंगे। बनाया था परसों, एक टाइम खाया था हमने, परसों बना के रख दिया था, तो अगले दिन दोपहर को खाया था यानी कि कल, तो रात नहीं खाया। और अब इसमें तड़का लगा के अब खा के यानी कि इसको फिर स्टोर करके रख देंगे। ये इसमें डाल दिया तेल, और तड़का किस चीज का लगेगा, हींग और राई का। तो प्याज और अदरक तो काट लिया था, हरी मिर्च रह गई, हरी मिर्च को भी काट लेते हैं और फिर लगाएंगे तड़का। इसमें हींग डाल दी, और इसके डालने के बाद इसमें डालेंगे हम राई। ये देखिए ये हमारा साग का तड़का भाई तैयार होने जा रहा है, इसको ढक देंगे। और भाई हींग की ना पूरी मस्त वाली खुशबू आ गई है, और ये डाल देंगे इसमें प्याज अदरक और हरी मिर्च, तुरंत ढक दिया ताकि जो हींग की खुशबू है ना वो अच्छे से इसमें रुक जाए प्याज में, है ना, तो इसलिए फटाफट से बंद कर दिया मैंने इसको। और ये रहा भाई साग मस्त वाला, है ना।
तो भाई हमारे यहाँ क्या होता है, फाग वाले दिन ना साग बनता है, तो ये साग पहले से ही मेरे पास आ गया था, क्योंकि फिर साग का सीजन जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता है, लगभग कम ही साग आता है, तो इसलिए मेरे पास साग आ गया था, तो मैंने पहले ही बना लिया। और अब इसमें तड़का लग गया, जैसे इसमें तड़का लग गया ना भाई, हम इसको बस अभी नाश्ते नाश्ते में खाएंगे और फिर इसको स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे, फिर फाग वाले दिन हम साग खाएंगे, क्योंकि फाग वाले दिन हमारे यहाँ मतलब कि हमारा जो कल्चर है, फाग वाले दिन साग बनता है और साग ही खाते हैं। तो इस तरह से जिस तरह दशहरे पे रायता बनता है घिया का, और यहाँ भाई साग बनता है और साग को खाते हैं, ये बस लास्ट फाग पे लास्ट साग होता है भाई, ये उसके बाद कोई साग नहीं बनता। और ये लग गया तड़का, तो जी आटा भी लग चुका है, साग में तड़का भी लग चुका है, और ये हमारा सुबह का नाश्ता है। और अभी तक ईशांत और ना घूम के नहीं आए, वो सुबह उठते ही घूमने चले गए थे और अभी तक नहीं आए, जैसे ही वो आते हैं फिर खाना मतलब कि फुल के उतार लेंगे। और जाता हुआ साग मतलब कि सीजन ऑफ होने वाला, तो बहुत 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 ही टेस्टी बना था भाई, मक्खन के साथ तो ना मज़ा आ गया था साग खाने में, और जैसे साग पुराना होता जाता है तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ना, क्योंकि बार बार तड़के लग जाते हैं। अब इसमें ना ये तीसरी बार तड़का लगाया, एक तो जब बनाया था तब भी तड़का लग गया था, और जब हमने अगले दिन खाया था तब तड़का लग गया था, और अब तड़का लग गया, और जब फाग वाले दिन साग को खाएंगे तब तड़का लग जाएगा इसमें। तो गर्म होने देते हैं भाई साग को, अच्छे से बंद कर देंगे इसको सिम पे, और तब तक भाई ये बर्तन साफ कर देते हैं जब तक शांत हो रखते हैं। बर्तनों में से और करते हैं इनको साफ। तो जी बर्तनों में से सारी जूठ वगैरह निकाल के और बर्तन साफ कर लेते हैं, क्योंकि भाई बर्तन इस टाइम भी ठीक ठाक से हो गए हैं, चाय के हो गए हैं, वही है किचन में जब काम करते हैं तो काफ़ी सारे बर्तन गंदे हो ही जाते हैं, तड़का वड़का लगाया कटोरियाँ एक दो गंदी हो जाती हैं, जो बर्तन साफ का था वो खाली हुआ, तो इसलिए जब तक खाना यानी कि आएंगे ये और खाएंगे तब तक मैं ये वाले बर्तन कर देती हूँ, और काम भी कम हो जाएगा और बर्तन भी साफ हो जाएंगे, तो इसलिए तो इन बर्तनों को कर देते हैं साफ। और भाई सबसे सबसे ज़रूरी बात, कल के लिए सॉरी, कल वीडियो अपलोड नहीं की थी मैंने, है ना, तो वो रह गई थी किसी कारणवश, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट नहीं थी, तो इस वजह से हमारा जो नेटवर्क था वो हमें प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। और दूसरी बात वही, कमेंट ज़रूर कर दिया करो है ना, कि आपको वीडियो कैसी लगी, नहीं ज़्यादा तो ये ज़रूर बता दिया करो कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो। तो जी बातों में बर्तन साफ कर लेते हैं, कुछ हो गए हैं कुछ रह गए हैं। A hand in mine.
ये धनिया डाल दिया साग में बारीक बारीक काट के, क्योंकि धनिया का भाई फ्लेवर बहुत अच्छा आता है साग के अंदर। बस आ गई, एक मिनट बस। तो ये हमारी मस्त वाली थाली साग लस्सी रोटी तैयार होगी मक्खन के साथ।